वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सॉर्टिंग क्या होती है और उसको कैसे करते हैं। सॉर्टिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं और हर मेथड अपने ही वे में दूसरे दूसरे से एफिशिएंट होता है। तो इस वीडियो में हम बबल सॉर्ट करेंगे और वो हम एक इंटीजर अरे की करेंगे। तो वो मैंने एक इंटीजर अरे ली हुई है ए के नाम से, जिसका साइज़ है 10 और उसके मैंने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो सॉर्टिंग के लिए बेसिकली आपको नेस्टेड फॉर लूप आना चाहिए, और अगर आपको वो नहीं आता तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लें, उधर इधर उधर ऊपर कार्ड भी आ रहा होगा, वो या आप उससे देख सकते हैं। तो आइए उसको शुरू करते हैं। फॉर लूप शुरू करते हैं इंट आई, और उसको मैं शुरू करता हूँ 0 से, और इसको मैं चलाऊँगा 8 तक। 8 तक मतलब कि 0 से लेकर 8 तक चलेगा। जो मेरी अरे है इसका साइज़ 10 है, मतलब इसमें एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 0 से लेकर 9 तक। तो जो मैंने बाहर वाला फॉर लूप, जो आउटर फॉर लूप होगा मेरा, उसको मैंने एक लेस मतलब 8 तक चलाना है, 9 तक नहीं चलाना। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसको आई प्लस प्लस कर देते हैं, अंदर एक और फॉर लूप शुरू कर देते हैं जे, और इसको हम शुरू करेंगे आई प्लस 1 से। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो इनर फॉर लूप है वो बाहर वाले फॉर लूप का जो इंटीजर आई है उसका जो वैल्यू होगी उससे एक अहेड 1 प्लस होकर ये फॉर लूप शुरू होगा। और इसको हमने चलाना है 9 तक। 9 तक अब इसको इसलिए चला रहे हैं क्योंकि अगर बाहर वाला भी अगर 9 तक चलाता और अंदर वाला भी, तो फिर हम पहले ये फॉर लूप 1 प्लस करके चला रहे हैं तो आखिरी वाली वैल्यू एक्स्ट्रा आ जाती और वो गार्बेज वैल्यू दे देता या फिर एरर दे देता। तो इसको भी हम जे प्लस प्लस कर लेते हैं। अब इसमें मैंने चेक करवाना है कि मेरा पिछला वाला एलिमेंट अगले वाले एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है, या उसको जो भी करना है। बेसिकली सॉर्टिंग दो तरह की है, कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपने एरे को सॉर्ट करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने एरे को सॉर्ट करना है। अगर तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो आप पिछला वाला एलिमेंट अगले वाले एलिमेंट से चेक करते हो, और अगर पिछला वाला एलिमेंट की वैल्यू अगले वाले एलिमेंट से बड़ी होती है तो आप उसकी वैल्यूज़ को आपस में स्वैप कर देते हो, ताकि पिछले वाले पे छोटी वैल्यू आ जाए और आगे वाले में बड़ी वैल्यू चली जाए। तो हम इसमें दोनों तरीके इस वीडियो में करेंगे। पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर का तरीका बताता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ए आई इज़ लेस देन ए जे, वो ये चीज़ चेक करेगा कि जो पिछला वाला एलिमेंट है, ये जो ए आई है ये पिछले वाला एलिमेंट है, और जो ए जे है ये अगले वाला एलिमेंट है। बेसिकली ये दोनों एलिमेंट जो होंगे ये एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे, दोनों एक दूसरे के साथ साथ होंगे जो बारी बारी चेक हो रहे होंगे, और इस तरह चेक करते करते पूरी अक्रॉस द अरे ये चेक होते जाएंगे। तो अगर तो पिछला वाला एलिमेंट ए आई अगले वाले एलिमेंट से बड़ा है, ग्रेटर देन का साइन हम लगाएंगे बड़ा है, तो वो उसको स्वैप कर दे, और नहीं है तो फिर स्किप कर दे। उसको स्वैप करेंगे तो इस तरह होगा कि जो हमारे पास राइट साइड पे जो आगे वाले एलिमेंट्स हैं वो बड़े बड़े होते जाएंगे, उनमें बड़े से होते जाएंगे, और जो पिछले वाले हैं उनमें छोटी वैल्यूज आती जाएंगी। तो उसको स्वैप करने का तरीका ये होता है कि हमें एक और इंटीजर लेना पड़ेगा, जो एक टेम्परेरी इंटीजर होगा, उसको हम टेम्प का नाम दे देते हैं। वो हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो पिछले वाली की जो वैल्यू है वो हम पहले टेम्प में सेव करवाते हैं, और फिर हम जो पिछले वाला एलिमेंट है उसमें हम लोग जो अगले वाला एलिमेंट है उसकी वैल्यू सेव कराते हैं, और जो अगले वाले एलिमेंट था उसमें अपने पिछले वाली एलिमेंट की वैल्यू रखनी थी तो वो हमारे पास टेम्प में पड़ी हुई थी, तो वो हमने इस तरह करके उसमें सेव करवा दी, और इस तरह हमारी स्वैपिंग हो जाती है। तो बेसिकली जो बाहर वाला फॉर लूप है वो 0 से लेकर 8 तक चलेगा, लेकिन जो अंदर वाला फॉर लूप है उसकी इटरेशंस वेरी करेंगी बाहर वाले फॉर लूप के इंटीजर आई के साथ, क्योंकि अंदर वाला फॉर लूप आई प्लस 1 होकर चल रहा है, एक अहेड होकर चल रहा है। तो अब इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, इस अरे को एट द एंड जो सॉर्ट हुई हुई प्रिंट अरे है उसको प्रिंट कराने के लिए हम एक और फॉर लूप लगा लेते हैं, और उसको हम 10 तक चला लेते हैं, और आई प्लस प्लस, और इसको सी आउट हम करा लेते हैं।
ए ऑफ आई, क्योंकि हमारी रे का नाम ए है, और उसको मैं लाइन एंड करवा देता हूँ। तो अब इस कोड को हम चला के देखते हैं। तो ये सॉर्ट होके अरे आ गई है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पहले इनिशियल अरे थी, और ये सॉर्ट होकर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर ये अरे आ गई है हमारे पास। तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अब करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ जो इस वाले इफ के अंदर जो ये वाला साइन है जो ग्रेटर देन का था, वो हमने लेस देन कर देना है। अब क्या होगा, जब ये चेक करेगा पिछला वाला एलिमेंट अगर अगले वाले एलिमेंट से छोटा है तो वो स्वैप कर दे, ताकि जो अगले वाले एलिमेंट्स हैं रे के उनमें छोटी वैल्यूज़ चली जाएँ, जो पिछले वाले एलिमेंट्स हैं उनमें बड़ी वैल्यूज़ आ जाएँ। तो इस तरह, और जब इस तरह हो जाता है तो उसको हम डिसेंडिंग एरे कहते हैं, जो शुरू में बड़ी वैल्यूज़ होंगे और एंड पे छोटी वैल्यूज़ होंगी। तो हम इसको भी चला के देख लेते हैं। ये देखिए 94, 66, 42, 21 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, विच इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आई होप आपको एरे की सॉर्टिंग करनी आ गई होगी कि असेंडिंग में कैसे गिरते हैं, डिसेंडिंग में कैसे गिरते हैं। और अगर आपको फिर अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।